नमस्कार दोस्तों, दोस्तों आपने नोटिस किया है अभी एनएमसी का एक रूल्स आया था कि जिन स्टूडेंट ने कोरोना काल या फिर ये जो वॉर हुआ उसकी वजह से ऑनलाइन क्लास किए उनको 2.5 से 3 साल की इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। लेकिन आप एक बात नोटिस करो, ये रूल्स है ना एनएमसी की तरफ से, जो भी एब्रॉड के खिलाफ या एब्रॉड वाले स्टूडेंट के हित में नहीं आता, ये हमेशा नीट के एग्जाम के इर्द गिर्द या नीट का रिजल्ट आता है जब स्टूडेंट आउट ऑफ इंडिया जाने का प्लान करते हैं तभी इस तरीके के रूल्स आते हैं। इससे पहले अगर आपको याद हो नेक्स्ट होगा तो भी स्टूडेंट बाहर जाने से डर गए यार नेक्स्ट होगा। इससे पहले एक रूल्स आया था कि जो स्टूडेंट एब्रॉड से एमबीबीएस करेंगे उनके लिए सिर्फ 2 या 3 ही चांस मिलेंगे एफएमजी देने के लिए, फिर स्टूडेंट डर गया और उस रूल्स को परमानेंट होता नहीं हटा देते हैं और उस डर की वजह से स्टूडेंट बाहर नहीं जा पाता और स्टूडेंट फिर सोचता है कुछ पैसे लगा के इंडिया के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस कर लेते हैं। अब किसी का बजट ही नहीं है इतना, लेकिन मजबूरी की वजह से उनको लेना पड़ता है क्योंकि घर में ऐसा तो नहीं एक ही बच्चा है, और भी बहन भाई होते हैं, घर में कितनी तरह की प्रॉब्लम होती है, कितनी हमारे समाज में बनाई गई है शादी ब्याहों में भी खर्चे होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, मैं कन्फर्म नहीं हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो रूल्स आते हैं ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेज वाले और एनएमसी के बीच में कुछ है, टाइम टू टाइम कुछ पैसा पहुंचता होगा, कुछ ऐसे दोनों के बीच में इंटरमीडिएट कुछ ऐसा रहा होगा कि आप ऐसा रूल्स डाल दो इससे बच्चे बाहर ना जाएं। तो अगर इस तरीके का रियल में एनएमसी कर रही है तो ये गलत है। जो स्टूडेंट बाहर से एमबीबीएस कर रहे हैं हम भी आप ही के बच्चे हैं, हम भी इंडिया के ही हैं। इसके अलावा जो स्टूडेंट इंडिया के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से कर रहे हैं उनमें भी कोई ऐसा खास टैलेंट नहीं है, तो रूल्स लेके आओ तो उन दोनों के लिए लेके आओ। चलो गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हैं तो अपन बोल सकते हैं उन्होंने कोई एग्जाम क्लियर किया है तो वो अपने बजूद पे या अपने टैलेंट के दम पे पहुंचे, लेकिन कोई डोनेशन से इंडिया में कर रहा है जिसकी क्षमता नहीं वो बाहर आ गया, दोनों एक ही कैटेगरी में अपन माने तो रूल्स दोनों के लिए इक्वल आने चाहिए। तो एनएमसी को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर 3 साल की रियल में इंटर्नशिप हो जाती है आने वाले समय में तो एब्रॉड वाले स्टूडेंटों को कितना नुकसान होगा, समय कहाँ से आएगा, दिन प्रतिदिन कॉम्पिटिशन बढ़ता जा रहा है, स्टूडेंट फिर इंटर्नशिप में ही अटका रहेगा, फिर वो कमाएगा कब? आजकल ह्यूमन जो लाइफ है लगभग 6 ईयर की हो गई, इसी में पूरा समय निकल जाएगा। तो एनएमसी से मेरी गुजारिश है कई चीज़ों पर आप ध्यान दें। एनएमसी का जब गठन किया गया था तब इससे पहले एमसीआई था, उसको हटाया गया कि एनएमसी आने वाले समय में छात्र हित में बड़े बड़े डिसीजन लेगी जिससे स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम ना आए। लेकिन मुझे नहीं लगा जब से एनएमसी आई कोई बहुत बड़ा डिसीजन लिया है इन्होंने छात्र हित में, सब चल रहा है सिस्टम से जो पहले चलता रहा, कोई मुझे बहुत बड़ा बदलाव नहीं लगा। तो दोस्तों जो मेरे विचार थे वीडियो के माध्यम से मैंने आपके साथ शेयर किए, आई होप आपको देख के अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।